हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस पनीर की सब्जी, जिसे पनीर अंगारा बोलते हैं। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, पार्टी में ये सब्जी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए एक बॉल में हम पनीर के क्यूब्स लेंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के करीब पनीर लिया है, तो आप इसे थोड़ा बड़ा बड़ा ही क्यूब्स में काटें। साथ ही मैंने टमाटर, कैप्सिकम और प्याज को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है, वो भी आप पनीर के अंदर ऐड कर दें। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन की पेस्ट, 3 बड़े चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। दही थोड़ा सा गाढ़ा यूज़ करें तो इसका एक्सेस पानी निकाल दे। 2 चम्मच इसमें हम मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके साइड पर रख दें। अब हम सब्जी की ग्रेवी बनाएंगे, तो इसके लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। थोड़े से साबुत मसाले लेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डाल के ये सारे ही साबुत मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे लंबा कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ के ऑनियन लिए हैं। आप क्वान्टिटी के हिसाब से ऑनियन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मेरी सब्जी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, तो मैंने प्याज उस हिसाब से लिए। अब हम इस प्याज को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी लहसुन की कलियां डालेंगे और ये धनिया की डंठल लिए मैंने वो डालेंगे और साथ ही 3 चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। अगर आप मिर्ची तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो 1 या 2 ही यूज़ करें। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। यहाँ पे हम 8 से 10 काजू ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये हमारा ग्रेवी का बेस तैयार है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस ग्रेवी को ठंडा कर लें, उसके बाद इसे अच्छी तरह से क्रश कर ले। अब इसी कढ़ाई में हम 1-2 चम्मच तेल और गरम करेंगे और हमने जो पनीर को मैरिनेट करके रखा है वो इसमें डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से फ्राई करनी है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में सब्जी बना रहे हैं तो इसे कोई भी तवे पर भी आप फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसे ग्रिल पैन पर भी फ्राई कर सकते हैं। इसके अंदर हमने मैरिनेशन के टाइम जो मस्टर्ड ऑयल डाला है उसकी वजह से अभी जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब्जी इतनी ही फ्लेवरफुल और इसकी जो फ्लेवर है वो पूरे घर में इतनी अच्छी आती है ना कि आपको सब्जी बनाते ही खाने का मन हो जाएगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल ले। यहाँ पर उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा बटर गरम करने रखेंगे। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। उसके साथ जीरा स्प्लटर हो जाए तो 2 चम्मच हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। इस पेस्ट को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इसके साथ हम थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हमने जो ग्रेवी बना कर रखी है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप साबुत मसाले हैं उन्हें निकालते नहीं हैं तो आपको ग्रेवी को अच्छी तरह से छानना है, वरना वो मसाले खाने में आएंगे तो सब्जी का टेस्ट ख़राब कर देंगे। और अगर आप पहले उन मसालों को हटा देते हैं तो आप डायरेक्ट इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हम इसमें किचन किंग मसाला यूज़ करेंगे। याद रहे ग्रेवी को अच्छी तरह से छान कर ही यूज़ करें, वरना आपकी सब्जी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब इस ग्रेवी में हम एक पनीर का क्यूब लेंगे, उसे अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे। 2 चम्मच के करीब हमें पनीर को ग्रेट करके डालना है। उसके बाद हम इसमें घर की थोड़ी सी फ्रेश मलाई डालेंगे। आप चाहे तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, तो 2 चम्मच हम इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे। अब इसे कवर करके थोड़ी देर कुक करने रखेंगे।
अब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है, तो हमने जो पनीर को फ्राई करके रखा है वेजिस के साथ उसको इसके अंदर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे। अगर आप इसे ढककर पका रहे हैं तो आपको इसे दो दो मिनट पर बीच में चलाना है और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, जिससे ये सब्जी बेस में लगे नहीं। यहाँ पर मैंने कोल को गर्म करने रख दिया है। ये सब्जी दूसरी सारी सब्जियों से बहुत ही अलग बनती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप देख सकते हैं सब्जी में से ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुका है, तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम एक कटोरी में इस कोल को ब्लेस करेंगे, उसके साथ ही इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स घी की डालेंगे और इस तरह से कवर करके इसे कुक होने देंगे। फ्लेम आपको बंद रखनी है। आप देख सकते हैं सब्जी ने कोल का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसे सर्व कर ले। याद रहे, इस सब्जी में आप जो कोल का फ्लेवर दे रहे हैं, चारकोल का फ्लेवर, वो आप इसे सर्व करते टाइम ही दे, इससे ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनको ये सब्जी टफ लगती है वो भी आसानी से इसे बना सके। थैंक यू।